पंडित महाराज प्रणाम। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। और कैसे आना हुआ रामवचन? महाराज बड़ा गजब हो गया, अभी अभी बच्चों ने एक गधे को मार डाला। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या होगा। अरे गधे को मार डाला, एक मासूम निरीह प्राणी को? अरे रामवचन ये तो घोर महापाप है। अरे महाराज अब क्या होगा, एक नहीं चार चार बच्चे हैं। होगा क्या? अरे अब चारों बच्चे नरक में जाएंगे। ओह नो। नरक में? हाँ, अब यमराज उनको दंड देंगे, समोसे की तरह तले जाएंगे, जलेबी की तरह छाने जाएंगे, उनका शरीर आलू की तरह काटा जाएगा। अरे महाराज ऐसा मत कहो, अभी तो वो बच्चे हैं, ये सब सह नहीं पाएंगे। महाराज माना कि वो बच्चे अपराध किए हैं, पाप किए हैं, लेकिन इससे बचने के लिए कोई तो उपाय होगा आपके पास? अरे रामवचन उपाय तो है, उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। महाराज मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ, बस बच्चों को नरक जाने से बचा लीजिए। ठीक है रामवचन, नरक से बचने के लिए तुम्हें एक महायज्ञ करना पड़ेगा। अरे महाराज मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस आप बताइए कि महायज्ञ करने के लिए क्या क्या सामान लगेगा। 21 किलो देसी घी वो भी गाय का, 5 किलो मुनक्का, 5 किलो छुआरा, 5 किलो बादाम, 5 किलो गरी, 5 किलो अखरोट, 5 किलो चिरौंजी। नो 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 नो। समझे, सारा सामान इम्पोर्टेड होना चाहिए। अरे महाराज इतना सामान हम गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे, इतना सामान तो खरीदने में हमारा घर बिक जाएगा। अरे रामवचन इतना क्यों घबरा रहे हो, चार बच्चे हैं ना, सब मिलकर इकट्ठा कर लो। अरे महाराज आप लोग तो इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन मैं गरीब आदमी मैं कहाँ से करूँगा। अरे आप लोग, मैं कुछ समझा नहीं रामवचन। अरे महाराज जिन चार बच्चों ने मिलकर गधे को मारा है उसमें एक बच्चा आपका भी है। मेरा बच्चा? हाँ महाराज आपका बच्चा, गधे को मारने में वो सबसे आगे था। अरे रामवचन मैं तो मजाक कर रहा था, तुम खामखा डर गए। अरे रामवचन अनजाने में अगर बच्चे के हाथ से गधा मर गया इसमें कोई पाप नहीं। अच्छा चिंता मत करो, जाओ खुश रहो। महाराज प्रणाम। नालायक बेटा 21,000 रुपए का नुकसान करवा दिया।